साथियों, तुष्टिकरण और टोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसके लिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। साथियों, भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ लाभार्थी बहनें अकेले हमारे पश्चिम बंगाल की है। इन 10 वर्षों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इसमें पश्चिम बंगाल की भी आप जैसी 1,25,00,000 से ज्यादा बहने हैं। हमने देश में 10 वर्षों में बहनों के इन समूहों को स्वरोजगार के लिए 8,00,000 करोड़ रुपए की मदद बैंकों से दिलवाई है।